स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज बायोलॉजी का लेक्चर 4 का ऑनलाइन क्लास होना है। पिछले टर्म पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन में पढ़ा रहा था। उसमें मैंने बताया था कि फ्लावरिंग प्लांट के पूरी लाइफ में दो फेज, दो प्रावस्थाएं आती हैं। स्पोरोफाइट प्रावस्था और गैमेटोफाइट प्रावस्था फेज। स्पोरोफाइट फेज पूरे लाइफ साइकिल में डोमिनेंट रहती है, प्रभावी रहती है, ज्यादा दिनों तक रहती है, और गैमेटोफाइट फेज अल्प समय के लिए रहती है। स्पोरोफाइट में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है और गैमेटोफाइट स्टेज में कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या n हैप्लॉयड नंबर होता है, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड। ओके, ये मैंने बताया था लाइफ साइकिल में ये दोनों फेज एक दूसरे को रिपीट करती है, इसे अल्टरनेशन और जनरेशन कहते हैं। स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, अब अगला आर्टिकल जो इस टॉपिक्स में पढ़ना है वो है अफ्लावर। फ्लावर फैसिनेटिंग फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, एंजियोस्पर्म प्लांट। ये फ्लावर एक आकर्षक अंग है आवृतबीजी पौधों का। आइए देखते हैं कि फ्लावर क्या है, फ्लावर के पार्ट्स क्या क्या है, फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है। तो फ्लावर में पहले पार्ट लिखेंगे, इट इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ स्टेम, मॉडिफाइड पार्ट ऑफ स्टेम, मॉडिफाइड पार्ट ऑफ स्टेम। ये तने का एक मॉडिफिकेशन है, ये तना है, शूट है। ओके, इट इज फ्लावरिंग, फ्लावर जो है इट इज सेक्स ऑर्गन है। सेक्स ऑर्गन है, ये कंडेंस शूट है, क्या इट इज कंडेंस शूट संग्रहित स्टेम का लीजिए। कंडेंस स्टेम, ओके, सेक्स ऑर्गन। एंजियोस्पर्म प्लांट में जो स्टेम सूट है, रूट है, ये सब के सब स्पोरोफाइट स्टेज में आते हैं। स्पोरोफाइट स्टेज इसमें डोमिनेंट होती है। फ्लावर के अंदर
नर और मादा सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर structure of flower okay देखें कि स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में ये आपका पार्ट आपका हो गया, ये आपका कैलिस, ये कोरोला एंड्रोसियम एंड्रो एशियम और ये गाइनोसियम गाइनोसियम ये पार्ट आपके ये थैलमस है। पुष्पासन जिसमें पुष्प के सभी पार्ट आते हैं अरेंज होते हैं ओके। अब इसे पार्ट ऑफ फ्लावर इसको बना लीजिए, इस स्ट्रक्चर को बना लीजिए पार्ट ऑफ फ्लावर। पहला नेसेसरी पार्ट है और दूसरा है असेसरी पार्ट। पहला नेसेसरी पार्ट एसेसरी पार्ट में दो मुख्य चीजें आते हैं, इसको एंड्रोसियम और दूसरा है गाइनोएशियम। ये देखिए ऊपर थैलमस के ऊपर ये जो संख्या इसमें छह है, छह से ज्यादा भी होती है छह से कम भी होती है, इसको एंड्रोसियम या पुमन कहते हैं। और ये फ्लास्क के आकार की फ्लावर के टॉप पे पार्ट है इसको गाइनोसियम या जनन कहते हैं। ये मेल सेक्स ऑर्गन है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये क्या है मेल सेक्स ऑर्गन और गाइनोसियम का है फीमेल सेक्स ऑर्गन ओके। एंड्रोसियम का है यहां पर लिखिए मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन ये आपके एंड्रोसियम और गाइनोसियम के क्या हो गए मतलब हो गए ओके। आइए आप रफ कर लो चलिए। अब दूसरा पार्ट है एसेसरी सहायक पार्ट जिसमें दो चीजें आती हैं, एक कैलिक्स आता है
और ये कोरोला आता है, आता है कोरोला, कैलिक्स एंड कोरोला, इट इज हेल्पिंग पार्ट फॉर सेक्स ऑर्गन एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। ओके, कैलिक्स एंड कोरोला, चलिए मैं एक एक को एक एक पार्ट में बताता हूं कि कैलिक्स एंड कोरोला क्या है, एंड्रोसियम क्या है, गायनोसियम क्या है। कैलिक्स नंबर वन, कैलिक्स नंबर वन, इट इज फाउंड बिलो कोरोला, इट इज फाउंड बिलो कोरोला, कोरोला के नीचे ये पाया जाता है। इट इज ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इट इज ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इट इज ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब इसकी यूनिट को कैलिक्स को वाह कलपुंज हिंदी में कहा जाता है, वाह कलपुंज, यानी इसकी यूनिट को सेपल्स कहते हैं, यूनिट ऑफ कैलिक्स, यूनिट ऑफ कैलिक्स इज सेपल्स। ओके, इसको वाह कल कहा जाता है, और सबको मिला दिया जाए, बहुत सारे सेपल्स होते हैं, सारे सेपल्स को मिला करके क्या कहता है, कैलिक्स कहा जाता है। ओके, आइए फंक्शन देखें क्या इसका होता है, फंक्शन कैलिक्स का क्या है। इट प्रोटेक्ट द डिलीशियस पार्ट ऑफ कोरोला, यानी कोरोला की सुरक्षा करता है किससे, शॉक से। इट प्रोटेक्ट, इट प्रोटेक्ट कोरोला फ्रॉम शॉक, झटके से सुरक्षा करता है, क्योंकि कोरोला जो होता है बहुत ही मुलायम होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, इसकी ये सुरक्षा करता है। ये पुष्प के सबसे नीचे भाग पर हरी पत्तियों की जैसी संरचना पाई जाती है। ओके, आइए अब लिखे दूसरा, कोरोला कोरोला, इट इज कलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इट इज क्या कलर, कलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, या रंगीन पत्तियों जैसी संरचना है, या रंगीन पत्तियों जैसी संरचना है। इट है यह गंधयुक्त होता है, ये ज्यादा गंधयुक्त होता है, और इस पर मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं, नेक्टर ग्लैंड पाए जाते हैं। इट है नेक्टर ग्लैंड, इट है नेक्टर ग्लैंड विच सीक्रेट, सीक्रेट नेक्टर, नेक्टर मीन्स मकरंद, नेक्टर विच सीक्रेट नेक्टर इट्स टेस्ट,
इट्स टेस्ट इज स्वीट या स्वाद में मीठा होता है एंड अट्रैक्टिव एंड हेल्प टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। और यह कीटों को अट्रैक्ट करता है किसलिए? पॉलिनेशन के लिए, परागण के लिए। ओके, इट हैज नेक्टर ग्लैंड विच सीक्रेट नेक्टर, इट इज स्वीट एंड हेल्प टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ओके, बात समझ आई? इस पर मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो मकरंद ग्रंथियां नेक्टर का श्रावण करती है। इट इज स्वीट एंड हेल्प टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ओके, यूनिट ऑफ कोरोला क्या चीज है? कोरोला की यूनिट जो है आपकी, उसको पेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। पेटल पेटल जिसमें से एक या रंगीन पंखुड़ियां होती है उसको पेटल कहते हैं। और सारे पेटल को मिला करके कोरोला कहा जाता है। फंक्शन क्या इसका होता है? इसका फंक्शन, ये कलर होते हैं, बर्कीले होते हैं। और फंक्शन इसका क्या है? इसका एक अट्रैक्ट इंसेक्ट, इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, परागण के लिए, या इंसेक्ट को, कीट को आकर्षित करते हैं। ओके, इसका एक पॉइंट और इसमें लिख लीजिए कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट है, यानी जिसमें परागण कीटों द्वारा होता है, उसमें कोरोला बड़ा भड़कीला और सुगंधित होता है। क्या होता है? सुगंधित होता है। और जो वायु परागित पुष्प है, वायु परागित पुष्प में कोरोला सब कलर और कोरोला कलरलेस होता है, ना उसके अंदर गंध नहीं होती है, बड़ा नहीं होता है, भड़कीला नहीं होता है। ये फ्लावर के देखने के बाद यह आपको पता चल जाएगा ये फ्लावर इंसेक्ट पॉलिनेटेड है कि एयर पॉलिनेटेड है। ओके, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर बड़ा होता है, गंधित होता है। ओके, और वायु परागित क्या होता है? और आइए एंड्रोशियम, पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। एंड्रोशियम, इट इज मेल सेक्स ऑर्गन। इट इज मेल सेक्स ऑर्गन विच फॉर पोलन ग्रेन, मेल एग। ओके, इट इज मेल सेक्स ऑर्गन विच फॉर पोलन ग्रेन। इसकी यूनिट जो होती है, और अभी इसको मैं अगेन रिपीट करूंगा, एंड्रोशियम, गायनोशियम, एंड्रोशियम होता है, एंड्रोशियम, गायनोशियम, गायनोशियम क्या है? इट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन विच फॉर विच फॉर फीमेल एग। ओके, देखिए एंड्रोशियम और गायनोशियम का काम क्या है? नर और मादा अंडाणुओं का निर्माण करना
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेन जो यूनिट है, इकाई है, वो नर और मादा अंडाणु में एक्स है, और ये दोनों एक्स क्या करते हैं, फ्यूज होते हैं, तो इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी सेक्स हार्मोन का मुख्य जो काम है अंडाणु का निर्माण करना है। क्या तो नर सेक्स फीमेल सेक्स हार्मोन मेल एक बनाएगा और फीमेल सेक्स हार्मोन क्या बनाएगा, फीमेल एक बनाएगा। अब हम एक एक करके हम चलते हैं, एंड्रोशियम क्या है, एंड्रोशियम ये इसको हिंदी में पुमन कहते हैं, क्या कहते हैं, पुमन कहते हैं। आपको पता है, मैंने बता दिया कि मेल सेक्स हार्मोन इसको कहा जाता है, इसको यूनिट देखिए, सी यूनिट ऑफ एंड्रोशियम ये स्टोमेन है, स्टोमेन पुंकेसर इसको क्या कहते हैं, पुंकेसर कहलाता है, पुंकेसर ओके। और इसी का एक नाम और है माइक्रो स्पोरोफिल, क्या है, माइक्रो स्पोरोफिल, माइक्रो स्पोरोफिल भी कहा जाता है। अब स्टोमेन आते हैं, स्टोमेन स्टोमेन क्या है, स्टोमेन को पुंकेसर कहा जाता है, इट इज यूनिट ऑफ एंड्रोशियम मेल सेक्स हार्मोन। स्टोमेन अगर देखा जाए इसके दो भाग होते हैं, इस एक तो आपका स्टॉम होता है फिलामेंट, और ऊपर जो होता है एंथर होता है, लिखा जाता है लिखा है टू पार्ट, इसकी संख्या एक से अधिक होती है, इट है टू पार्ट, इट है टू पार्ट। पहला है फिलामेंट, फिलामेंट और दूसरा है एंथर। ये बड़ा आसान है, एक एक हम खोलते चलते हैं। एंथर को प्राकोष कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राकोष, एंथर प्राकोष। अब स्ट्रक्चर ऑफ स्टॉमेन देखिए क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टॉमेन ये आपका फिलामेंट है, ऊपर वाला जो दो बाइलोब दिखाई दे रहा है ये एंथर है, क्या है, फिलामेंट के द्वारा स्टोमेन फ्लावर के थर्मस से हाइपोथर्मस से जुड़ा होता है ओके, यानी पुष्पाशित से जुड़ा होता है, और ये पार्ट मेन पार्ट है, इसी पार्ट अंदर हमको अंदर का पेनिट्रेट करना है, अंदर हमको घुसना है, इसी के अंदर आपका मेन एक पॉइंट ग्रेन का निर्माण होगा एंथर के अंदर। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें अभी अननोन है, डालते हैं एंथर, एंथर एंथर को माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर या पुंकेसर स्टामेन का सबसे ऊपरी भाग है,
ये बाइनोड होता है, इट इज बाइनोड, इट इज बाई लोड का मतलब द्विपारित होता है, दो पिंडों में बटा होता है और दोनों पिंड जो है बीच में कनेक्टिव है, कनेक्टिव एक टिश्यू है, संबंध बंडल है, इससे जुड़े होते हैं। इट इज बाई लोड विच इज कनेक्टेड बाई connected by connected, ये एक लोग, ये एक लोग बीच में क्या है connected होने क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं, तो it is by loop which is connected by connective loop, ठीक है। अब देखिए, अब प्रत्येक लोग में देखा जाएगा तो दो चैम्बर, ये एक लोग जैसे इस तरह से प्रत्येक लोब में इस तरह से आपका यानी दो दो चैम्बर में विभाजित रहता है, इसको हम पॉलन सैक, एंथर सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। प्रत्येक लोब का एवरी लोब इज डिवाइड इनटू टू चैम्बर विच इज नोन एज पॉलन सैक, एंथर सैक एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, यू अंडरस्टैंड। अब आइए, अब देखिए इसमें लोब ऑफ एंथर, लोब ऑफ एंथर लिखे कि ईच लोब इन, ईच लोब डिवाइडेड इनटू, ईच लोब डिवाइडेड इनटू टू चैम्बर, चैम्बर विच इज नोन एज, इस चैम्बर को क्या कहेंगे ना, which is known as pollen sac या इसको anther sac या इसको microsporangium कहते हैं, लघु बीजाणुधानी microsporangium। और इंपॉर्टेंट ईच लोब जो प्राकोष में जो दो लोब होते हैं उसके प्रत्येक लोब में दो चैम्बर पाए जाते हैं जिसे पॉलन सैक, एंथर सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल या फंक्शनल पॉलन मदर सेल पाए जाते हैं जिससे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकण या पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। ओके, अब ईच पॉलन सैक है माइक्रोस्पोर मदर सेल विच इज डिवाइड माइटोटिकली अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार परागकण का निर्माण करते, कितना चार परागकण का निर्माण करते, किसका लोब एंथर का, लोब ऑफ एंथर के अंदर मियोसिस द्वारा पॉलन ग्रेन फीमेल एग का निर्माण होता है। ओके, अब देखिए इसमें एक नोट करके लिख लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट है, एक मोस्टली सभी पौधों में जो एंथर होता है टू लोब होता है और इस तरह से एक एंथर में कुल चार पॉलन है आपके पाए जाएंगे, लेकिन मालवेसी क्या है, इन मालवेसी, मालवेसी ये मालवेसी फैमिली है, मालवेसी फैमिली में के पौधों में जो एंथर होता है का
बाई लोग में यूनी लोग है, एक लोग पाया जाएगा, इस तरह से पॉइंट से कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इन मॉडलेशन अंतर है वनली वन लोग वनली वन लोग ड्यू टू दिस रीजन इट है टू पॉलन से या एंथर साइड पॉलन चैम्बर। तो इट मॉलवेसी एंथर है वनली वन लोब ड्यू टू दिस रीजन इट है वनली टू पॉलन साइड, यानी इसमें केवल दो पॉलन साइड पाया जाएगा इसमें मॉलवेसी में, और जितने पौधे हैं उसमें चार आपके एंथर लोब या पॉलन से पाए जाएंगे। अंडरस्टैंड बात समझ आ गई। चलिए आप देख लीजिए फंक्शन ऑफ एंथर, फंक्शन ऑफ एंथर, एंथर क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंथर। एंथर का काम होता है पॉलन ग्रेन का निर्माण करना, क्या है पॉलन ग्रेन का निर्माण करना। देखिए पॉलन ग्रेन का निर्माण करना, तो इट फॉर पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन क्या चीज है, मेल एग है। इट फॉर पॉलन ग्रेन मेल एग का निर्माण करता है, अब ये पुंकेसर का काम हो गया स्टामेन या ठीक है। अब हम देखते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ पॉलन सेल माइक्रोस्पंजियम, अब एक हेडिंग ला लीजिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब हो गया पॉलन ग्रेन का निर्माण, और पॉलन ग्रेन का बनेगा पॉलन सेल में। अब ये डाल लीजिए डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्पोरेंजियम या पॉलन सैक या एंथर सैक, ये ऊपर मैंने बताया डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्पोरेंजियम पॉलन सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है। देखिए अगर एक हम यंग पॉलन सैक का ट्रांसवर्स सेक्शन
काटे तो हमको मिलेगा कि इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ बिल्कुल एक शेप है, क्या है इस तरह से कोशिकाएं इसमें यंग एंथरलोड या माइक्रोसिक्वेंडियम का अगर हम कट करें तो एक बिल्कुल एक के आकार का यह हमको दिखाई देता है, लेकिन कुछ समय के बाद ये थोड़ा सा चपटा होकर के इस आकार का ऐसे हो जाता है और प्रत्येक कार्नर में एक वेल डेवलप वेल इसका ऐसी कोशिका डेवलप हो जाती है जिसका क्या है केंद्र बड़ा होता है उसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है। ऐसी कोशिका को हाइपोडर्मल कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोडर्मल कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? ये इस तरह से ऊतक पूरा इसको चारों तरफ से कहा है, ये ऊतक जो होते मेरिस्टमेटिक टिश्यू होता है ये चारों तरफ से इनको क्या होंगे इस तरह से घेरे रहते हैं। वहां से पूरा बनाना तो बड़ा मुश्किल है लेकिन मीनिंग समझिए आप इस तरह से। तो डेवलपमेंट ऑफ ये हाइपोडर्मल सेल इस तरह से आपकी डेवलप हो गई बिल्कुल ये डिफरेंशिएट हो रहे। इसका कारण है कि ये बड़ी है इसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा है इसका केंद्र इसमें ज्यादा बड़ा है। इस तरह से आपका बीच में एक प्रीमोनिट्री बीच में आपका प्रोकैम्बियम स्टैंड बन जाता है जो संबंध मंडल का निर्माण करता है संबंध मंडल द्वारा बनता है। इस तरह से ये थोड़ा सा बड़ा मुश्किल काम होता है डिफ्रेंशिएट करना क्योंकि कलर पेन नहीं मेरे पास है। अगर ये कलर पेन रहती तो ये काफ़ी डिफ्रेंशिएट होता। ये पार्ट देखिए ये पूरा इस तरह से उठता किसी भरा रहेगा ये हाइपोडर्मल क्या होता है हाइपोडर्मल सेल या इसी को आर्चिस पोरियल आर आर्चिस पोरियल सेल ठीक है। इसको प्रोकैम्बियम स्ट्रैंड प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड कहते हैं ठीक है। ये आपका हाइपोडर्मल सेल एक अलग प्रकार की कोशिकाएं बन गई और वो काफी डिफरेंशिएटेड है। आगे चलकर के यह दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। आगे चलकर के यह इस तरह से दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। देखिए आप आर्चिस पोरियल से दो कोशिकाओं में क्या हो गई विभाजित हो गए चारों कार्नर पे। याद देखो ये देखिए चारों कार्नर पे आर्चिस पोरियल से दो कोशिकाओं में डिवाइड हो गई और इसको हाइपोडर्मल सेल नहीं प्राइमरी पैराइटल सेल प्राइमरी पैराइटल सेल और दूसरा है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल स्पोरोजिनस सेल ये एपिडर्मिस है एपिडर्मिस और बीच में ये प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड है और ये पूरा मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का ये क्या होता है पूरा नेटवर्क पूरा फैला रहेगा इसमें तो ये बनाना थोड़ा गंदी हो जाएगा। इस तरह से पूरे बॉडी में इसके
और सेल फैलिन है, पूरा फैलिन है। ओके, तो प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल से एंडोथीसियम मिडिल लेयर और पेरिटोन का निर्माण होगा। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से ये फंक्शनल स्पोर मदर सेल पॉलन ग्रेन या पॉलन मदर सेल में डेवलप होगी। अब पॉलन मदर सेल के अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन के बाद इसमें क्या हो जाएगा, माइटोटिक डिवीजन के बाद आपका मेल एग या मेल एग परागकण का निर्माण होगा। ओके ठीक है, तो इसके आगे अभी इसको प्रोसीड करना है क्योंकि वक्त की पाबंदी है, फाउंडेशन है, क्योंकि और सारे सब आपके यहाँ करके ऑफिस में बैठ गए हैं, तो मेरा वक्त मेरे पास नहीं है कि मैं इसको आगे प्रोसीड करूं, लेकिन मैं इसी को आगे प्रोसीड करूंगा। ये देखिए एक बार फिर मैं इसको इतना समझ लीजिए, इसके बाद कहानी आपको अगले और वीडियो मिलेगी। ये आपका यंग पॉलन क्या है, यंग पॉलन एंथर है, एंथर लोब है, ये एग यंग है बिल्कुल तरुण। इसका ट्रांसवर्स सेक्शन हमने कट किया है, हम एक लाइन स्ट्रक्चर ली है। अब इसके अंदर बीच में प्रोकैम्बियल स्टैंड जो होता है, जो कहा जाता है, जो वैस्कुलर बंडल का निर्माण करता है, और ये वैस्कुलर बंडल दोनों चैम्बर को जोड़ने का काम करते हैं। अब इसमें एपिडर्मिस जो आपका यंग पॉलन सैक है, उसकी चारों कॉर्नर पे कुछ विशिष्ट कोशिकाएं जो बड़ी होती हैं, जिनके पास केंद्रक ज्यादा होता है, साइटोप्लाज्म में ज्यादा होता है, या दो भागों में कहा आती है और सॉरी विकसित होती है, और विकसित होती है किसी को हाइपोडर्मल सेल या आर्चिस्पोरियल सेल कहा जाता है, और आर्चिस्पोरियल सेल आगे चल करके ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक को प्राइमरी पैराइटल सेल कहा जाएगा, दूसरी को प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहा जाएगा। प्राइमरी पैराइटल सेल से अगेन डिवीजन होकर के विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की परत बनेगी। एक तो आपका एंडोथीसियम बनेगा, मिडिल लेयर बनेगा, उसके बाद उसके नीचे कैपिटल लेयर बनेगी, और कम गए और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से क्या बनेगा, इसके अंदर अंडसूत्री विभाजन द्वारा मेल एग पॉलन ग्रेन का निर्माण होगा। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, और मैं अगला इसके आगे जो मैं प्रोसीड करूंगा वो नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।